खुद को मार कर मैं तुम्हें कभी खुशियां नहीं दूंगी। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी? कभी नहीं, इस भूल में मर जाना तुम। महरूब, मुझे बड़ा दुख हुआ, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ और तुमने अकेले ही सह लिया। अगर मुझे जरा से भी पता होता ना कि तुम इस शादी के इतने खिलाफ हो, तो मैं खुद ही पीछे हट जाता। अब प्लीज अपने आप को, अपनी जान को और तकलीफ मत दो। तकलीफ तो मुझे हो रही है, तो मुझसे इतनी बेजार हो कि खुदकुशी करने पर मजबूर हो गई थी। अगर तुम मुझे अपना गुनहगार समझती हो तो मेरी सजा मुझे दो, अपने आप को और नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि मैं अपनी ही नजरों में गिर जाता हूं। देखो मेरू, तुम्हारी जान की बहुत अहमियत है, प्लीज इसे मत गंवाना, किसी के लिए भी नहीं। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं रह सकती, तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि जबरन मेरे साथ जिंदगी गुजारो। वापस जा सकती हो, वापस अपने घर जा सकती हो, हम खाना साथ खाएंगे। अगर तुम खाना चाहो तो जी, किसे मिला आपको? मारू, पहचाना नहीं मुझे? किसने भेजा है तुम्हें? देखो जाइए, ये मेरा घर है, मेरा अपना घर, तो शाम को मिलते हैं 5 बजे। अरे अरे, क्या समझ रहे हो तुम? बदमाश अभी तक तुम सुधरे नहीं है ना? आप तो लगता मुझे बाकी अच्छी तरह पहचानती है। बाजी, मैंने आपको पहचाना है, आप है कौन? हटा दो, तो मैं बता दूं तुमको। अरे अरे, अजनबी का इस घर में आए ममनू है, चले बाहर जाएं। अजनबी नहीं हूँ, हटो तुम। अरे आप है कौन, बताएं तो। दिखाती हूँ, आ जाओ। दीदी जी, ये दवा खा लें। बीबी जी, ये दूध भी पी लीजिएगा, कमजोरी उतर जाएगी। पीना जी, बीजी कबीर साहब कब आएंगे? पता नहीं बीबी जी, बताकर नहीं गए? नहीं बीना, आज तुम यही सो जाओ ना। मैं बीबी जी, वो बीबी जी, मेरा मर्द घर पर मेरे इंतजार कर रहा होगा, मैं उसे सिर्फ रात, सारा दिन तो मैं यहाँ पर होती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। मेहरू की शादी भी हो गई है। वालेकुम अस्सलाम, जीती हो, कैसी हो? ठीक हो आप? कैसे? बैठो बैठो, मेरा कोई नहीं है। सामने अंकल। वालेकुम अस्सलाम, जीती हो, कैसी हो? ठीक हो आप? कैसे? बैठो बैठो। कमाल है।
आप लोगों ने तो मुझे बुलाया भी नहीं। बस एक दो हफ्ते हो गए हैं। वो मिनिस्टर है यहाँ का जिससे शादी हुई है। अच्छा, किस मिनिस्टर से? कबीर कुरैश नाम है उसका, बहुत अच्छा आदमी है। उसने मेहरू को बहुत खुश रखा हुआ। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह लाख लाख शुक्र है बीबी जी, आप ठीक हो गई। हम नहीं हो गए थे। मुझे क्या हो जाता? ठीक ही होना था। अच्छा बीबी जी, किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बताएं। मुझे क्यों किसी चीज की जरूरत होगी नीलम? सब कुछ तो है मेरे पास। वो जी, साहब ने बहुत ताकीद की है कि आपका खास ख्याल रखा जाए, हर जरूरत पूरी की जाए। पता है मुझे ऐसा क्यों कहा है? तुम बैठो। जी नहीं नहीं बीबी जी, मैं मैं कह रही हूँ ना, बैठ जाओ। जी बीबी जी, घर मेरे आने से पहले खाली था क्या? यहाँ कोई रहता नहीं? वो जी, साहब ने नया लिया आपके लिए। तो वो खुद कहाँ रहते हैं? मेरा मतलब है उनका घर कहाँ पे? वो तो जी बहुत बड़े महल में रहते हैं अपनी पहली बीवी के साथ। अभी भी वहीं पे होंगे? वहीं होंगे जी। उन्होंने कहाँ जाना है? क्या नाम है जी? उनका नाम शबाना है, बहुत बड़े नाम है उनके शहर में। तुम लोग यहाँ पे कब से हो? जी हमें तो साहब लेकर आए हैं यहाँ पे। मैं पहले सबका साहब के घर काम करती थी सालों से, मैं और मेरे मियाँ, बाकी सब घर के नए, बस हम ही पुराने लोग। अच्छा, बीबी जी आपका यहाँ कोई नहीं है? आप जब से आई हो यहाँ पे कोई आपसे मिलने है? मेरा कोई नहीं है। इसका मतलब है आप टीम हो? माफ करना बीबी जी, वो मुंह से निकल गया। आपने कहा मेरा यहाँ कोई नहीं है, माफ करना बीबी जी। कोई बात नहीं नीलम, जिसका बाप ना हो। वो यतीम ही कहलाता है। जीत गया इस बार शबाना, उसने शादी कर ली। तुम्हें हरा, तुमने तो कहा था शबाना कि कभी दूसरी शादी नहीं करेगा, लेकिन इस बार उसने शादी भी कर ली है और अपने मकसद में कामयाब भी हो जाएगा। फिर तुम और तुम्हारी तीन बेटी का क्या मकाम होगा? Shut up, Leela. You're a liar. तुम झूठ बोल रही हो। ठीक है, तुम्हें अगर मेरी बात की यकीन नहीं है तो अपने भाई से। वो तो मजाक में भी तुमसे झूठ नहीं बोलेगा।
अच्छा हमने नोटिस किया है आपके स्वेटर्स में खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद लगती है, कोई खास वजह? देखिए जी, खवातीन तो हमारी इज्जत है, इसलिए हमें उनकी इज्जत का इतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना हम अपनी इज्जत का रखना चाहते हैं। अगर हमारे लीडर की सोच ऐसी हो हमारा मुल्क बहुत ज्यादा तरक्की करे। जितना आप अपने पॉलिटिक्स इतना आप अपनी पर्सन से भी हैं। पहले नहीं था लेकिन अब हूं। इस तब्दीली की कोई खास वजह? वजह ये कि जब आपका सफर अच्छा हो तो जाहिर सी बात है आप अपनी जिंदगी से मुतमईन ही होंगे, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ से बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ से भी बहुत मुतमईन हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में यही लाइफ पार्टनर है। सैटिस्फैक्शन भी है तो सिर्फ क्या उनको वारिस मिल जाए? तुम्हारे वजह से तो किसको कोई सरकार नहीं मेरू। इसी की वजह से देर हो गई। ये जर्नलिस्ट रोज पहुंच जाते हैं इंटरव्यू में। वैसे अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। चले शुक्र है। आप अपने घर नहीं गए? क्या मतलब? मतलब कि आप अपनी बीवी और बेटियों के पास नहीं गए? नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपनी बीवी हूँ, इसीलिए जिस घर में तुम रहोगी वही मैं रहूंगा। लेकिन आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। अच्छा मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक। सबकत, थैंक यू सबकत। अब ना क्यों इस वक्त मेरा सुकून गलत करने आ गए? मैं तुम्हारा सुकून क्यों? तुमने मेरा बर्बाद कर दिया। तुम्हारा क्या बात करेगा, तुम तो खुद ही पैदा इसलिए हुई हो कि दूसरे का सुकून बर्बाद करो। इस बार सब पे तुम वजीर ले गए हो, तुमने मेरा घर तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। जो काम तुम खुद पहले कर चुकी हो उसे मैं अब क्यों करूंगा? तुमने ऐसा किया है, तुमने मुझे छोड़ी दूसरी शादी करवाई। दुनिया का कौन सा भाई ऐसा करता है अपनी बहन के लिए? तुमसे इसने कहा कि मैंने कबीर की दूसरी शादी करवाई है? जिसने भी कहा मुझे ये जवाब क्यों करवाई तुमने? और तुम्हें क्या लगा रहेगी? तो तुम जाके अपने शौहर से पूछो ना, दूसरी शादी उसने की है। हाँ अलबत्ता इस काम में मैं उसका साथ जिसने अपने शौहर को बेटा पैदा करके नहीं दिया तो उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली। तुम इसकी बहुत भारी कीमत अदा करोगे। मैं नहीं छोड़ूंगी, ना तुम्हें और ना उसको जिसको तुम मेरे मुकाबले लाए।
आई प्रॉमिस यू दिस। मेरे पास अब कोई भी कीमती चीज नहीं रही, जो थी तुमने छीन ली थी। अब तुम्हारी बारी है सिर्फ कीमतें अदा करने की। देख लूंगी तुम्हें, देख लूंगी तुम्हें। मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है, एक ऐसा सौदा हुआ है जिसमें मैं एक तरफ से बेची गई और यहां दूसरी तरफ में खरीद कर लाई गई। बीबी जी, क्या हुआ? बाहर कोई आपसे मिलने आया है। कौन? आपने तो कहा था बीबी जी आपके घर में कोई नहीं है। मुझसे मिलने कौन आ गया? कोई खातून है, मैंने नाम पूछा था पर उन्होंने बताया नहीं। अम्मा, मासूमा, मासूमा, मेहरू, कैसी हो? सनोबर, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। क्यों? लगता है तुम्हें किसी और का इंतजार था। क्या मासूमा आने वाली थी आज यहाँ? नहीं नहीं, बस मुझे लगा कि वो है। बैठो। हाँ, तुम कब आए पाकिस्तान? बस कुछ ही दिन हुए, बस अभी यही हूँ। तुम बताओ कैसी हो और इतना सब कुछ कैसे? तुम्हें किसने बताया यहाँ का? तुम्हारे घर गई थी, वहां पे पता चला कि तुम्हारी शादी किसी बड़े मिनिस्टर के साथ हो गई है। अम्मा ने बताया? नहीं, हकीम साहब ने बताया। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, ये सब कुछ कैसे हो गया? बस वैसे ही, जैसे हो जाता है, जैसे हमेशा मेरे साथ होता है। अब कौन सा कुछ अनोखा होना था। पर मेहरू, तुम तो असद को, बल्कि असद तुमसे प्यार करता था और जहां तक मेरा ख्याल है तुम भी उससे प्यार करती थी। ऐसे मिनिस्टर से शादी, क्या तुम्हारी इससे पहले से जान पहचान थी? तुम्हें मैं ऐसी लगती हूँ क्या? नहीं मेहरू, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है, एक ऐसा सौदा हुआ है जिसमें मैं एक तरफ से बेची गई और यहाँ दूसरी तरफ में खरीद कर लाई गई। इस सौदे में दोनों तरफ सबको फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है तो सिर्फ एक आपसी लड़की का। लेकिन क्यों, तुमने मना क्यों नहीं किया? तुम जानती हो ना अब्बा मियां के फैसलों को, कभी नहीं बदलते। तो फिर मेरे लिए कैसे बदलते? बस एक कैद से दूसरी कैद में लाई गई हूं। इस शादी से यही तब्दीली आई है मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं। नेहरू, मत रो। क्यों रो रही हो तुम? क्या हुआ? अपनी किस्मत पे रो रही हूं मैं, जो मेरे अपने बाप ने लिखी है। वरना आज मेरे पास भी एक जवान छोर होता, दिल का सुकून होता। इस तरह रोने से सब कुछ बदल जाएगा क्या? तुम अब शादीशुदा हो और इस घर में किस चीज की कमी है तुम्हें? तुम्हारी शादी इस शहर के बड़े मिनिस्टर के साथ हुई है और इस घर में हर वो चीज मुयस्सर है। और जिस तरह की लग्जरी लाइफ तुम गुजार रही हो ना, वो एक नौजवान तुम्हें कभी भी नहीं दे पाता। और तुम क्यों इस तरह दुख में अपनी जिंदगी गुजार रही हो? तुम क्या कहना चाहती हो सनोबर?
कि मैं अपनी नामुकम्मल जिंदगी इसी तरह गुजार दूं। मेहरू, तुम्हें इस तरह की शानदार लाइफ मिली है जिसे हासिल करने के लिए लोग अपने बाल धूप में सारी जिंदगी सफेद कर देते हैं और तुम इसे नामुकम्मल कह रही हो। तुम सिर्फ इमोशनल हो रही हो और कुछ भी नहीं। ये सारे ख्वाब तो मेरे थे, मुझे देखो आज मैं कहाँ हूँ। जहाँ पहले थी आज भी मैं हूँ। सारा सारा दिन मैं और मेरा शौहर मेहनत करते हैं, उसके बाद जाकर हमारा घर चलता है, और तुम्हें तो बैठे बिठाए ये सब कुछ मिल गया। क्यों इतनी नाशुक्री कर रही हो तुम? अपनी बहनों को देखो, उनके पास क्या है? लेकिन तुम उनके मुकाबले में मलका बन गई हो। तुम्हें इस सबसे फायदा उठाना चाहिए, और अगर तुम इस हुलिये में बाहर निकली ना तो लोग बातें बनाना शुरू कर देंगे। तुम एक मिनिस्टर की बीवी हो, और मिनिस्टर्स की बीवी ऐसी नहीं होती। उनका एक अपना स्टैंडर्ड होता है, उनका लाइफस्टाइल आम औरतों से बहुत मुख्तलिफ होता है। निकलो इस हॉल से और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। अच्छा, तुम्हें इस बात का गम है ना कि तुम्हारी शादी एक बड़ी उम्र के और शादीशुदा आदमी से हुई है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और भी लड़कियां हैं, वो भी तो अपनी लाइफ ऐसे ऐशो इशरत से गुजार रही हैं, तो फिर तुम क्यों नहीं? तुम अभी जवान हो। कबीर जितना जिया तुम उतना उसके पैसे को जियो, उसके बाद अपनी जिंदगी जी लेना। किसने किया ये? अरे किसने किया? अरे तूने मेरा टीवी तोड़ दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतनी हिम्मत, इतनी हिम्मत तुम्हारी? तूने हिम्मत कैसे? तुम मेरे हाथ कैसे? तुम लोगों को तो मैं जान से मार दूंगी। छोड़े, बस करें, क्या कर रही हैं? छोड़े बच्चियों को, उन्होंने जान पूछ के तो नहीं किया, माफ करें उन्हें। माफ कर दूं? इन चुड़ैलों को माफ कर दूं मैं? अरे ये साजिश तेरी होगी, तूने ही सिखाया होगा कि इस बुढ़िया का टीवी तोड़ दो। तुझे तो पसंद ही नहीं है ना कि मैं सुकून से बैठ के टीवी देख लूं। मैं क्यों करूंगी ऐसा आपके साथ? इन लोगों ने कहा होगा। काला, मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि क्योंकि तू जलती है मुझसे, तू चाहती है कि मेरी जगह ले ले, और यही तेरी माँ की तरबियत है ना। मैं जानती हूँ अच्छी तरह से, कभी उसने भी अपनी सास का साया अपने आप पर नहीं पड़ने दिया ना। तू भी यही चाहती है कि तू मुझे इतना तंग कर दे कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं। लेकिन मैं घर छोड़ के जाने वालों में से नहीं हूं, मैं तुझे निकालूंगी, और अब तो तुझे एक मिनट ही रहने दूंगी यहां पर। निकल मेरे घर से। देख, आधे घंटे का वक्त दे रही हूं तुझे मैं। अब तू ना अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल यहां से। खाला, मैं कहां जाऊंगी? मैं कह रही हूं निकल यहां से। तूने आज तक किया क्या है इस घर में? तूने अपने मियां का ट्रांसफर तक तो करवाया नहीं, और तेरा होना ना होना बराबर है इस घर में। अरे छोड़ जा। देख, तुझे मैं ना आधा घंटा दे रही हूं, बस सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा। अपनी जो चीजें उठा सकती है ना तू उठा ले। अरे जिंदगी अजाब करके रख दी मेरी, निकलो यहाँ से, मेरे घर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। इसका मतलब है तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? मेहरू, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि यहां मेरे घर में तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस ना हो, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं खुद ले आऊंगा। मुझे अपने घर जाना है, मेरा यहाँ दम घुटता है, मुझे नहीं रहना आपके साथ। क्या यही तुम्हारा फैसला है? क्यों मेहरू,
तुम क्यों इतना खुश हो रही? क्या तुम कबीर को अपना शोहर मानती हो? तो फिर क्या करूं? फिर क्या करें? एक बड़ा टीवी रखवा दूं वहां, जाकर कबीर से कहूं कि मेरे दामाद का ट्रांसफर रुकवा दो, मेरी बच्ची घर चली जाएगी और अगले महीने फिर कोई मुतालबा लेकर रो रही होगी।